नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर पीर गतिशील समाजवादी लोकिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार रेशमा परवीन अब की बात, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ शिक्षित ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन पत्नी मशकूर अब्बासी वार्ड नंबर 16 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार बसपा प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। आगरा के ताजगंज स्थित शमशान घाट पर लगातार पहुंच रही लाशों को देखकर साफ जाहिर होता है कि आगरा प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी से शहर के हालातों को ऑल इज वेल बता रखा है, लेकिन आगरा प्रशासन आंकड़े छिपा रखा है। आज जब मोक्ष धाम शमशान घाट पर पहुंचे तो पाया कि सामान्य शमशान घाट हो या विद्युत शवदाह, दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में लोग अपने स्वजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा प्रशासन के झूठ की पोल खोलने के लिए श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के जो शमशान घाट संचालित करती है उसके काउंटर पर मौजूद व्यक्ति अतर सिंह से बात की तो पाया कि इस शमशान घाट पर पहले 15 से 18 शव रोज पहुंचते थे, लेकिन 4 दिनों में ये संख्या बढ़कर 25 से ज्यादा हो गई है। वहीं विद्युत शवदाह पर अंतिम संस्कार होने वालों की संख्या जस्ट डबल हो गई है। कुल मिलाकर दोनों शमशान घाट पर खड़ी गाड़ियां और वहां मौजूद भीड़ बता रही है कि अचानक शमशान घाट पर लाशें बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, जो आगरा प्रशासन के रोजाना के कोरोना से होने वाली एक या दो मौतों के आंकड़ों को पूरी तरह झुठला रही है। इसरार चौहान ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार गांव आसिफाबाद चंदपुरा गांव में विकास कराना है, गांव को उज्जवल बनाना है, हमारा संकल्प आपका सहयोग। इसरार चौहान को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र बजाजा कमेटी का शव वाहन चलाने वाले नरेंद्र कहते हैं कि सुबह जल्दी आ जाते हैं और देर रात 12 बजे तक घर पहुंचते हैं, दिन भर शवों को लाकर शमशान घाट पहुंचाते हैं, हालत बहुत खराब है। कुल मिलाकर शमशान घाट पर स्थिति देखकर कोरोना की भयावह स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं आगरा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के हिसाब से सब कुछ ओके है। आगरा से जीशान अहमद की रिपोर्ट। जन जन की यही पुकार हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।